नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल बुरास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट से लगभग 1 किलोमीटर के परिक्षेत्र में माता चामुंडा का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। बात करें गंगोलीहाट की तो गंगोलीहाट में शक्तिपीठ के रूप में माता हाट कालिका का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर माता रानी के चामुंडा मंदिर को सभी लोग भली भांति जानते हैं। विगत वर्षों में स्थानीय लोगों के द्वारा, अनेक ग्राम सभाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास करके इस मंदिर का सौंदर्यीकरण, इसका पुनरुद्धार कार्य जो प्रारंभ किया वह अभी भी जारी है। देवदार के घने जंगल के बीच यह खूबसूरत पवित्र स्थल अपने आप में बहुत ही मनमोहक है। मंदिर परिसर बहुत ही साफ सुथरा रहता है। हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। मंदिर के मुख्य द्वार को 4 खंभों के बीच मंदिर की ही आकृति में बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है और आधुनिक डिजाइन का ये मंदिर बना है। समय समय पर आसपास के ग्राम सभाओं के अनेक लोग विभिन्न पर्व पर यहाँ पर आकर माता रानी के दरबार में माथा नवाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। आप देख रहे हैं मंदिर का खूबसूरत सकेत और मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के समस्त जो गुंबद हैं, वो विशेष प्रकार से बनाए गए हैं। यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है। माँ चामुंडा का यह मुख्य मंदिर है। मंदिर के निर्माण में एक मुख्य गुंबद के चारों ओर छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। मंदिर परिक्षेत्र में देवदार के अनेक वर्षों पुराने पेड़ हैं, तो यहाँ के वातावरण को और भी आध्यात्मिक और भी मनमोहक बनाने में सहयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही साफ सुथरा मंदिर का परिसर और बहुत ही शांति। मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला भी बनाई गई है। पवन पुत्र हनुमान जी का भी एक छोटा सा मंदिर स्थापित है जी। गुरु जगत की ज्योतिर्लिंग हाट काली है, उस समय से ये चामुंडा माँ है जी। इसमें एक माँ होती है, अलकनंदा चामुंडा होती है। वही अलकनंदा है, वही चामुंडा है, वह चामुंडा एक माँ होती है। वह माँ कालजी में ही प्रकट होगी। कालजी में तीनों स्थापित हैं। चामुंडा, काली, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों स्थापित हैं उसमें चामुंडा में, कालजी में जी। यहाँ शक्तिपीठ अलग चामुंडा का है, वहाँ कालजी चामुंडा एक ही है, नंदा शक्ति है जी। प्रथम शैलपुत्री नंदा शक्ति चामुंडा है जी। ऐसे है, ये चामुंडा अपने धाम पर आएगी यहाँ और प्रकट होगी वहाँ। अच्छा, ऐसे है उसमें जी। माँ है असली गंगा है, गुप्त गंगा खड़ी है। उधर अंबिका है। अच्छा, वो तीनों स्थापित हैं काली में जी। हाटकालिका में तीन मूर्तियाँ स्थापित हैं, शंकर भगवान है तीनों में। प्रथम शैलपुत्री महामाया है, वह परमहंस है। ये दूसरी माँ चामुंडा जाएगी, नंदा शक्ति है, दूसरी प्रकट होगी। अच्छा, नंदा स्वरूपा है, नंदा शर्पा चामुंडा प्रकट होगी। चामुंडा माँ है उसमें जी। तीनों स्थापित हैं, ये गुरु शक्ति भी छठी शताब्दी पूर्व के हैं। अच्छा, इसमें गुरु एक एक हैं, गुरु हैं, धोनी में एक एक गुरु हैं। अच्छा, गुरु शक्ति ठीक।
यही माता शरीर में प्रकट होगी, यही माता हरिद्वार में प्रकट होगी, यही दिखेगी, माँ एक ही है उसमें, वह परमात्मा। दोस्तों, समय समय पर मंदिर परिसर में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसके लिए अलग से एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा सभागार तैयार किया गया है, जिसमें सामने की दीवार में बहुत ही खूबसूरत माता रानी की कलाकृति बनाई गई है। माता रानी का बहुत ही सुंदर स्वरूप कलाकृति के रूप में दीवार पर उकेरा गया है। माता दुर्गा के साथ साथ बाईं ओर पवन पुत्र हनुमान की बहुत ही खूबसूरत कलाकृति आप देख सकते हैं, जबकि दूसरी ओर भैरव देवता का खूबसूरत स्वरूप निर्मित किया गया है। अन्य मंदिरों की तुलना में इस मंदिर में बहुत ही सादगी के साथ हमारी जो मंदिरों की प्राचीन शैली है उसको आधुनिकता के साथ मिश्रित करते हुए मंदिर को बहुत खूबसूरत रूप दिया गया है। चाहे वो यज्ञशाला हो या फिर मंदिर के द्वार हो या फिर मुख्य मंदिर के गुंबद, सभी एक प्रकार की आकृति के प्रतीत होते हैं। अनेकानेक लोग समय समय पर आकर यहाँ पर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मंदिर के गर्भद्वार में सिर्फ मंदिर के पुजारी जी को जाने की अनुमति होती है, वे भीतर जाकर पंचामृत शुद्धि आदि का कार्य करते हैं। पारंपरिक विधि विधान से शुद्धि करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना होती है और जो भी भक्तजन मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वे गर्भ द्वार के बाहर बने गेट से ही अपनी जो भी सामग्री है उसको अर्पित करते हैं और मंदिर के बाहर ही पाठ आदि अनुष्ठान आप लोग कर सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने छोटा सा भैरव देवता का मंदिर बनाया गया है। तो जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास? कुमाऊं हिल के अंदर में सब मानते हैं। हाँ, मानते हैं। नाइन्थ कुमाऊं वाले आते थे पहले दुर्गा दुर्गा से, जब वो आता थे भैंसा आता था, उसके बाद सात बकरी आती थी, सब वो अठवार हुई जी। तो अठवार आती थी यहाँ पर, यहाँ पर बलि होती है चामुंडा में? यहाँ पर नहीं होती चामुंडा में, यहाँ पर बटू भैरव, अच्छा भैरव बटू भैरव को चढ़ता है, अंदर कोई मतलब नहीं, बटू भैरव यहाँ पर कटेगा उधर पीछे कटाएगा सिर हेट लग जाते हैं, अच्छा। ले जाते हैं वो, अच्छा। तो यहाँ पर वो नहीं होता, यहाँ पर कमी है, वहाँ वहाँ तो पहले शक्ति में होता था यार, अच्छा। तो हमने भी खुद आंखों से देखा, हाँ जी हाँ, शक्ति में बकरी काटेंगे शक्ति के अंदर वो पूरा खून भरते थे, अच्छा, काली का खून चढ़ता है देवी शरीर, तो वहाँ पर शक्ति के ऐसा पूजा होता था पहले, और अभी बाहर आते आते अभी फिर अभी पहले ऊपर ही काटते थे, आजकल वो नीचे काटते हैं, हाँ, पहले ऊपर ही साफ वो सब, हाँ, पहले ऊपर करते थे। बाकी पुजारी जो थे आपके ये चरके थे सिमलकोट के, अच्छा, सिमलकोट का पहले आदमी की बलि होती थी बोलते, अच्छा, जिसको पहले, हाँ, जिसको नाम आ गया जी, और वो मतलब वो बच्चे का बलि होता था याद, अच्छा। तो फिर कई आदमी ने बोलाया ये तो बहुत अन्याय हो रहा है जी, और जिसका जिसके नंबर आया था वो बच्चा भग गया, अच्छा, वो भग गया तो फिर उसके बाद समाधान, अब बेचारा मोर वो जिसका जिसका आ रहा है आपको कौन अपने पहले तो मतलब, हाँ, अपने प्रिय को कौन भेजेगा, सही बात जी। तो उसके बाद वहाँ पर जो है काली काका भी, फिर भी आप किसी से पूछ लेना जी, मैं मतलब मोटा मोटा बता होते हैं, तो उनको उनको मतलब जो बच्चा पैदा होता था ना वो मतलब अपने आप ही बोलता था मैं भगवती का गुण,
अच्छा ऐसा पता और बताते हाँ बताते हैं मतलब वो चले जाता था जिसका नंबर आया वो बेचारा चले आ जाता हाँ जी हाँ जी तो वहाँ पर आदमी का होते करते बहुत जब वो बच्चा भग गया तब फिर समाधान हुआ मीटिंग हुई कई आदमी अभी ये बहुत बड़ा इलाका अब क्या होगा करके है और सब जगह के प्रधान अगर बुलाए बुलाया भगवती को मनाओ आप लोग पुजारी हो भगवती को मनाओ ये बुंगली की आते बुंगली वाले बहुत मानते हैं महाराज अच्छा सबसे ज़्यादा बुंगली बुंगली से बेलपति ये आपका बेलपति भेरंग अच्छा ये जो है ये सबसे बड़ा भक्त के ठाकुर लोग थे अच्छा बुंगली के जी 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 वहाँ से हर मतलब हर महीना अठवार आता था पहले हमने अच्छा। देख रखा यार मैं अपने अच्छा पैदल आते थे लोग जी तो अठवार लेके आ गए थे मनोकामना पूरी हुई जी तो जी जरूर अठवार में जी एक दफे की बात है जी ये मैं हम तेरे कालिका में भागवत भागवत लग रहा था तो मैं वही था जी या थिरमाटे से अठवार आ रही थी अच्छा वहाँ बीच में एक सुरमल का मंदिर पड़ता ना आपने देखा हो वही लगा नहीं मैं तो नहीं देखा सुरमल का मंदिर है हाँ जी तो सुरमल के मंदिर में वो मतलब अपना दीधूप देना भूल गए अच्छा पहले वहाँ चढ़ता होगा हाँ अठवार वाले जी तो वो बीच में वो तो उससे आगे बैंड में जो है काट तल फड़ गया था खत्म हो गया एक्सीडेंट हो गया हाँ तो फिर कई बुजुर्ग आदमी रहे अरे आप हमने उधर वो सुरमल के मंदिर में दिया कि नहीं बे उन्होंने नहीं दिया तब आई उसे फिर वहाँ से उन्होंने दूसरा भैंस खरीदा फिर लाए बेचारे अठवा ले गए तो वो कहानी ये पशु की हाल ही की कहानी है यार जी 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 5-6 साल पहले की बात है जी अच्छा तो ऐसा वो भी होता है यार भैया हाँ, पहाड़ के मंदिरों के मान्यता है क्योंकि उसके बाद जंगल में छोड़ देते थे काट 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 देते भाई ये खाते थे क्यों मार सोचे एच डी में आ गया टकरा उसको बोला नहीं बंद कर तो नीचे मुक्तेश्वर महार शिवालय है हाँ बताता है मुक्तेश्वर की जगह वहाँ पर उसके उसके बगल में जहाँ पर देवी का मंदिर है ना उसी के नीचे में शीतला देवी का मंदिर है बाबू नीचे अच्छा बहुत ही जोरदार मंदिर है अच्छा तो वहाँ पर एक कप्पा से पानी आता है टप 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 एक एक बूट करके वहाँ पर एक वो है देवी का मूर्ति है उसके ऊपर में गिरता रहता पानी अच्छा शीतला देवी जिसको ये मतलब हमारे यहाँ पर ये काकड़ हवा ले जाना है ना जो ये स्मॉल पॉक्स अगर होता है तो उसके लिए वहाँ पूजा करते थे तो चिकन पॉक्स ठीक हो जाता था अच्छा तो वहाँ शीतला देवी मंदिर है यार अरे वाह मैं तो कई हर साल जाता रहता हूँ मंदिर तो अब नहीं जा पाता हूँ यार मैं अभी आदमी वो हो गया ना भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया सही बोला नियम धर्म से नियम धर्म से पूजा कर्म नहीं हो पा रहा बिल्कुल मर्यादा नहीं रह गई बिल्कुल पुराने समय के लोग तो कर्मठ थे पहले की जैसा मर्यादा समय से पूजन हमें विधि विधान यहीं पर देख रखा है कोई आदमी अंदर नहीं जाते ये हमारे गाँव के ना बुजुर्ग थे अंदर कभी नहीं जाते थे अच्छा ओ गुरु ये मेरा भी चला दो हाँ जी हाँ जी अंदर से सब भागीदार नहीं थे अंदर गर्भद्वार जी जो अंदर में गर्भद्वार उतना ही था पहले मंदिर अच्छा तो आदमी कोई नहीं बैठे एक आदमी बड़े मुश्किल से बैठा था कितने कितने साल पुराना होगा मंदिर चामुंडा जी ये मंदिर कब कब बनाए प्रकाश पंत ने करवाया था जी 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 ये हुआ प्रकाश पंत का बनाया तो वैसे कहाँ की इन इस गांव की कुल देवी हुई खत्म हो गया यार हाँ प्रकाश पंत जी अच्छे उसमें और भी करना था तरीके जी 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 इसी गांव से आता है प्रकाश पंत जी ना जी 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 तो उस टाइम ये बन गया यार भाई ये तो बहुत पुराना ये जब जंगम बाबा कालिका में अच्छा हुआ था ना जंगम बाबा कौन थे तो पहले जहाँ पर आजकल वो थोड़ा सा मंदिर बना रखा ना जी वहीं पर एक देवी के रूप में जो है साधु बैठा था वहाँ अच्छा साधु को बोलते हैं साधु को बड़ा वो जो हुआ सपना है उधर एकदम बेहोश हो गया वो अच्छा साधु को जी होश ही नहीं आया उसको जी एक कुंवारी लड़की आई उठाया उनको बोलता आप इधर देवी की जी जी तो बोला
आप ठीक हो जाओगे, तो इसको थोड़ा सा एक वो दिया उनको, आप खाओ इसको। उसके बाद वहाँ से बोला मेरी स्थापना नीचे करवाना है। अच्छा, आपने करवाना है ये इस स्थान पे? जी, वो नीचे रहा। फिर उसके बाद पहले वहाँ स्थापना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर स्थापना है। अच्छा, पहला स्थान कहाँ था? पहला स्थान कहाँ पर हुआ? पहले कालिका का। अच्छा, हटकालिका के आसपास कालिका का स्थापना हुआ पहले। जी जी, तो जहाँ पर आप नीचे को जाते हैं ना। हाँ हाँ, एक छोटा सा मंदिर है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर मंदिर बना दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ दिया है यार सब गणेश मूर्ति। अच्छा ठीक, काफी बना रखा है। हाँ जी हाँ, बना। वहीं पर जो था पहले एक एक इसका पेड़ था, एक छोटा सा एक कुकार का पेड़ था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, उसमें वहाँ पर तो बैठा, तो वहाँ बाबा ने बोलिया, बाबा बोले क्या करो मैं, अब मैं तो बड़ा मशहूर हो गया, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, नीचे दौड़ा था मैंने वहाँ पर देवी के, वहाँ पर पहले खाली सब कुछ नहीं था। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर अभी बन नहीं पा रहा। तो वहाँ तो फिर बाबा ने वो उठ ही नहीं सका। अच्छा, पर उसको वो लड़की आई तो उठाया उसको, बोला आप इधर कुछ हो रहे हैं देवी रूप में, कुछ हो रहा है कहीं जानवर आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, तो उसने बोला मेरे को जानवरों से कोई डर नहीं, ऐसे भी बोला उन्होंने बोलते हैं। अच्छा, ऐसे पता काय काय कालिका की बात है ना। हाँ जी हाँ जी, तो कालिका के बाद फिर बाबा ये वहाँ बाबा जंगम बाबा ही थे, वो जंगम बाबा था, उन्होंने फिर वहाँ का स्थापना किया। स्थापना करने के बाद अब पानी की समस्या हो गई, जो जहाँ भी नौला है ना। हाँ जी, ये गुप्त गंगा है ऊपर में। अच्छा, गुप्त गंगा से पानी आता है उस पूरा। अच्छा, तो बाबा ने बोला क्या प्रूफ है, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, यहाँ पानी वहाँ का पानी आता करके। उन दिनों कमेट होता था, कमेट हाँ, हाँ। खोला उन्हें खोल खोल करके, अगर कमेट का खोला हुआ पानी यहाँ आएगा पता अपने मारूंगा। अच्छा, बाबा भी बड़ा कट्टर था ना जी, तो उस नौले में घुला और वो नीचे आ गया। वो बाबा ने फिर वहाँ पर जो आया तो कमेट का पानी आया, करीब 15-20 दिन में आया वो। अच्छा, वो वहाँ आज घोल ही रहे। अच्छा, उस वजह से कोई सुविधा ही नहीं था। हाँ जी हाँ जी, कोई फोन का नहीं। हाँ ठीक है, तो ऐसा बताते थे। हाँ जी हाँ जी, हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते जी जी जी, मैं भी बोला। हाँ हाँ, मान्यता है तो मेरे को भी इसका कहा जा। जी जी जी, तो उसके बाद वहाँ मंदिर बना, मंदिर बनाने के बाद बोला अब उसके लिए तो विश्वकर्मा चाहिए यार, वो तो शक्ति का। हाँ जी, शक्ति को बनाने के विश्वकर्मा। हाँ जी हाँ जी, तो उसके बाद ही शुद्धता बाद में होती है जी, पहले विश्वकर्मा। हाँ, पहले बनाते हैं प्रतिष्ठा। हाँ जी हाँ जी, तो उसमें पहले कालिका में पूरा चांदी का ही था, आजकल तो अभी फिर बन गया दोबारा। अच्छा, चांदी का था पहले। अच्छा, उसके बाद वो चांदी चोरी कर दिया। अच्छा, इसे क्या पता नहीं, तो वहाँ भी यहाँ भी चांदी का ही था जी, यहाँ भी चोरी कर दिया। अच्छा, तो वहाँ पर जो है पहले नीचे तांबे का है, फिर चांदी का बनाया था। अच्छा, से उसमें ऐसा होता था जब इस इलाके में कहीं बारिश नहीं होती थी। अच्छा, तो उसमें पानी भरते थे कहाँ, ये बुंगली के लोग। अच्छा, बुंगली के लोग वहाँ के पुजारी पहले शिवपुर वाले थे। अच्छा, पुजारी रोह नीचा पहले शिवपुर वाले जी जी जी, असली जड़ वही वही से हुआ। अच्छा, तो बुंगली वाले बहुत मानते थे। अच्छा, तो पानी इसी से एक साल बारिश नहीं हुआ बोलते हैं, जब नबी नौले से पानी भरते गए वहाँ, जब तक फूल नहीं हुआ वो। अच्छा, फूल होकर के बाहर को आने लगा, उसके बाद बादल पता नहीं कहाँ से आए, बारिश हुई, बड़ी बहुत बड़ी तगड़ी बारिश हुई बताते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर खेती रूढ़ पड़ गई ना, सूखा पड़ गया। अच्छा, अब जेठ के महीने लास्ट में हुई थी बारिश। अच्छा, ऐसा बात बताए। अच्छा, तो वहाँ देने भी नौला में उससे पानी पोते, तो उधर से भगवती को पानी अभी भी वहीं से चलता है। अच्छा जी जी जी, हालांकि वो पानी ऊपर गुप्त गंगा का ही पानी आता है। हाँ जी, तो वो रवे सवेरे जो जिसकी बारी होती है रावत की, रावत लोग करते हैं ना वहाँ, तो पंडित जी वो सब सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं भैया। अच्छा, वहाँ पर अच्छा बढ़िया नियम है, यहाँ पर नहीं उतना नियम उतना। तो यहाँ कौन लोग हैं पुजारी? हाँ, आप लोग यहाँ पर ऐसा है ना, ये वैष्णवी देवी थी जी,
इसके अंदर में पहले तो ही महिला नहीं जाते थे। यहाँ पर ये इसमें इसमें गेट नहीं रखा था, मैंने छोटा गेट था धर्मशाला, ये मैंने भी देखा है यहाँ पर। 80 साल को मेरे को भी हो गया ना, तो वहाँ पर जो 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 भी आएगा यात्री पहले उसको उपाले शुद्धि करते थे, फिर अंदर को आते थे, महिला अंदर नहीं जाती थी शक्ति के पास। यहाँ पर जाते वो निशान अच्छा भीड़ कम होती थी, वहाँ तो महाकाली ठहरी यार भाई। हाँ। वहाँ तो बड़ा वो है, वहाँ की तो बहुत महिमा है जी, जी, तो जी। ये हाट काली का प्रसिद्ध ठहरी जी, ये मतलब लोग। तो दोस्तों ये थी माता चामुंडा के मंदिर के निर्माण की कहानी, यहाँ के बुजुर्ग पुजारी जी की जुबानी। पुजारी जी ने बहुत ही सादगी के साथ माता चामुंडा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग बताए, माता हाट कालिका से किस प्रकार से यह जो पीठ है यह संबंधित है इस बारे में हमें जानकारी दी। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास है कि देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे पवित्र धार्मिक स्थलों को अपने ब्लॉग के माध्यम से देश दुनिया तक जानकारी के रूप में साझा करने का हम प्रयास करते हैं, और कोशिश रहती है कि आने वाली पीढ़ी इन दुर्लभ जानकारियों से परिचित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।